हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑल माय सन्स नाम का एक ड्रामा जो कि ऑर्थर मिलर के द्वारा लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इस प्ले के बारे में। तो इसका फुल टाइटल है ऑल माय सन्स। इसको 1946 में लिखा गया था और न्यूयॉर्क सिटी में इसको लिखा गया था। एक साल बाद 1947 में इसको पब्लिश किया गया। इसका जो लिटरेरी पीरियड था वो रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा था, यानी कि अमेरिकन ड्रामा पीरियड में जो सराउंडिंग एरिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, कॉमन थिंग्स चल रही हैं, यानी कि बियॉन्ड कोई इमेजिनरी थिंग के जो रियल लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं वही इस ड्रामा के अंदर लिखी गई हैं। जैनर भी इसका वही है। सेटिंग की अगर बात की जाए तो सबर्बन यूनाइटेड स्टेट्स में इसको लिखा गया है और नॉन स्पेसिफिक यानी कि कोई स्पेशल जगह की बात नहीं की गई है। यूनाइटेड स्टेट में अर्बन एरिया से रिलेटेड या उनसे सिचुएटेड किसी जगह की बात यहाँ पर की जा रही है। और डिटेल्स देख लेते हैं इस प्ले के बारे में। तो ऑल माई सन्स जो है वो ऑर्थर मिलर का पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल प्ले था जिसकी शुरुआत कॉर्नेट थिएटर न्यूयॉर्क से हुई थी, यानी कि न्यूयॉर्क में कॉर्नेट नाम का एक थिएटर है जब प्लेज़ को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और 29 जनवरी 1947 में इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया। 328 परफॉर्मेंस के साथ में इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला, यानी कि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेस किया। और न्यूयॉर्क का सबसे जो प्रेस्टीजियस अवार्ड था ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड वो इसको मिला। और जो लीस्ट फेवरेबल कमेंटेटर्स यानी कि जो इसको पसंद नहीं करते थे उन्होंने भी इस प्ले राइट को यानी कि ऑर्थर मिलर को काफ़ी ज़्यादा सराहा, यानी इनकी प्रशंसा की। मिलर ने ऑल माई सन्स के बाद में 3 और क्रिटिकली और कॉमर्शियली सक्सेसफुल प्लेज लिखे, जिसमें से पहला है डेथ ऑफ द सेल्समैन, दूसरा है द क्रूशेबल और तीसरा है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। इन वर्क्स में ऑर्थर मिलर ने प्रेजेंट किया है कि ट्रेजेडी जो है वो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ में भी होती है, जिसमें वो अपनी पर्सनल डिग्निटी को मेंटेन करते हुए लाइफ के जो क्रिटिकल मोमेंट्स हैं उनसे कैसे डील करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जैसे जैसे प्ले पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। हम सबसे पहले कैरेक्टर्स को देखते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है जॉ केलर। तो जॉ केलर है वो हेड ऑफ द फैमिली है केलर फैमिली का। कैटी सेकेंड कैरेक्टर जो उसकी वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो गए। इनके दो बच्चे हैं, लैरी जो बड़ा बेटा है और क्रिस जो कि छोटा बेटा है। फिर दूसरी फैमिली आती है डीवर फैमिली। स्टीव डीवर जो फैमिली का हेड है और अभी जेल में है क्योंकि उसने कोई फॉल्टी एयरक्राफ्ट बेचे थे जिसकी वजह से उसको जेल हो गई है। उनके दो बच्चे हैं स्टीव ड्राइवर के, एनी और जॉर्ज। एनी उसकी डॉटर है स्टीव ड्राइवर की और जॉर्ज उसका बेटा है। यहाँ पर दो फैमिलीज हो गई। नेक्स्ट फैमिली है जिम बेलिस और सू बेलिस, ये डॉक्टर फैमिली है। और नेक्स्ट फैमिली है फ्रैंक और लीडिया, ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ है और ये नेक्स्ट फैमिली है। एक और बच्चे का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा हमको, बर्ट नाम के बच्चे का, तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगा। अब ये जो लैरी नाम का ये बड़ा बेटा है यहाँ पर कैलर फैमिली में, ये मर चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है। हम जब बिगिनिंग में देखते हैं प्ले की शुरुआत में तो ये मर चुका है। और करंट में क्रिस नाम का जो छोटा बेटा है वो इस एन से लव करता है और जो लैरी जो मर चुका है वो इस एने का एक्स लवर होता है। ये पूरा प्ले जो है 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर सीन जो है या डिपिक्शन जो है वो एक स्मॉल टाउन का दिखाया जाता है और ड्यूरेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जो जॉ केलर हैं केलर फैमिली का हेड और उनके नेबर हैं जिम बेलिस, वो दोनों लोग अपने बैकयार्ड में बैठे हैं, केलर फैमिली के घर के बैकयार्ड में बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में वो पहली रात को आए हुए स्टॉर्म के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे
तूफान की वजह से उनके बैकयार्ड में जो पेड़ लगा हुआ था वो आधा टूट गया है। ये पेड़ जो है वो लैरी की याद को ताज़ा कर देता है, क्योंकि लैरी ने ही ये पेड़ उनके बैकयार्ड में लाकर लगाया था। अब उनके दोनों बच्चे जो कैलर फैमिली के हैं, लैरी और क्रिस, उनमें से एक बेटा दूसरा क्रिस बाकी है। लैरी की जो मेमोरी बार बार में बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है कि लैरी की कुछ टाइम पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में डेथ हो चुकी है प्लेन क्रैश के ज़रिए। और अभी ये दिखाया जाता है कि लैरी को गए हुए 3 साल हो चुके हैं और उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो इन सब बातों में क्रिस यहाँ पर आ जाता है जब दोनों नेबर्स बात कर रहे हैं, जो और जिम। तो क्रिस आकर यहाँ पर अपने फादर को बताता है कि जो लैरी के जाने की या डेथ की बात है वो अब उनकी मदर यानी कि कैटी से अब और ज़्यादा नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि कैटी अब लगातार बिलीव करने लगी है कि लैरी अभी तक ज़िंदा है और कभी ना कभी वापस आएगा। उनके इस फर्म बिलीव की वजह ये भी है कि फ्रैंक और लीडिया नाम के जो नेबर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं और वो उनको लगातार ये बिलीव दिलाते रहते हैं कैटी को कि लैरी अभी ज़िंदा है और वो कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगा। तो कैटी इस प्ले में बाद में ये बिलीव करने लगती है कि लैरी जो है ज़िंदा है और वो वापस आएगा। 3 साल के बाद भी वो इस बात पर बिलीव नहीं करती कि लैरी मर चुका है। अब लैरी जो है वो प्लेन क्रैश में इस तरह से मारा गया था और जो प्लेन क्रैश था वो इतना फैटल था कि लैरी के बचने के चांसेस बहुत कम थे। क्रिस अपने फादर से ये भी कहता है कि एनी से वो प्यार करता है या उसको पसंद करता है और एनी आज उनके घर पे आने वाली है और वो क्रिस जो है वो एनी को प्रपोज करेगा ताकि वो दोनों शादी कर लें। जो को एक्चुअली इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर उनकी मदर यानी कि कैटी को अगर पता चलेगा कि क्रिस जो है वो एनी को प्रपोज करने वाला है तो उसको ये बिलीव हो जाएगा कि लैरी एक्चुअल में डेड हो चुका है या मर चुका है, क्योंकि उनको ये पता है कि एनी जो है वो लैरी से लव करती है और उसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये सब बातें चल रही होती उन दोनों फादर और सन के बीच में, तब तक बीच में उनकी मदर कैटी आ जाती हैं। तो क्रिस अपनी मदर को भी यहाँ पर बताता है कि वो एनी को प्रपोज करने वाला है, लेकिन कैटी जो है वो एम्फसिस करती है बार बार में कि लैरी की अभी तक डेथ नहीं हुई है, वो मरा नहीं है और वो वापस आएगा, और एनी जो है वो एक्चुअल में क्रिस की गर्लफ्रेंड ना होकर लैरी की गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट एक्ट में ये रिवील हो जाता है कि एनी के फादर जो हैं यानी कि स्टीव डेवर वो फॉर्मर एम्प्लॉय थे जो कैलर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके पार्ट्स ये बेचते हैं, और जो कैलर कंपनी के ऑनर हैं और स्टीव डेवर उनकी कंपनी में एक वर्कर थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें रिवील होती हैं और साथ ही साथ ये भी रिवील होता है कि स्टीव ड्राइवर जो हैं वो अभी जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने जो फॉल्टी प्लेन के पार्ट्स थे उनको ओके कर दिया था, यानी उनका चेक करने का काम था और उन्होंने उनको चेक सही ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट्स थे वो क्रैश हो गए और 21 पायलट्स की यहाँ पर प्लेन क्रैश में जान चली गई, और जिसकी वजह से स्टीव ड्राइवर को जेल जाना पड़ा, उनको एक्यूज़ मान लिया गया और जो कैलर जो हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया, ये मानकर कि स्टीव ड्राइवर ने ही उनको ओके किया था और जो का इन सब से कोई लेना देना नहीं था, यानी कि उन्होंने डिफेक्टिव पार्ट्स को शिप नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें इस फर्स्ट एक्ट में रिवील हो जाती हैं, जो मेन प्लॉट है स्टोरी का वो यहाँ पर हम समझ पाते हैं। आगे जो और कैटी जो है वो इस बात को लेकर परेशान है कि एनी उनकी फैमिली में ट्रबल क्रिएट करने आ रही है कैलर फैमिली में, क्योंकि उनकी वजह से या जो के गिल्ट की वजह से और जो फॉल्टी पार्ट्स जो शिप किए गए थे उनकी वजह से उसके फादर यानी स्टीव ड्राइवर को जेल हुई है और वो उसका यहाँ पर बदला लेने के लिए आ रही है। अब जो क्रिस है वो अपनी गर्लफ्रेंड एनी को बताता है कि
उन्होंने और उनकी फैमिली ने काफ़ी हार्ड टाइम स्पेंड किया है जब लैरी की डेथ हो चुकी है उससे डील करने में, और उन्होंने जब सोल्जर्स की वर्स्ट सिचुएशन देखी है तब भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इस वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अब ख़त्म करना चाहते हैं। अब जो जॉर्ज है एनी का ब्रदर, वो कोलंबस नाम की जगह से आ रहा है यहाँ पर, ये बताया जाता है, क्योंकि कोलंबस नाम की जगह पर उनके फादर यानी कि स्टीव ड्राइवर को इम्प्रिजनमेंट में रखा गया है, जेल में रखा गया है, और वो वहाँ से वापस आ रहा है कैलर फैमिली के घर पे। उसी शाम को जब एनी वहाँ पर आ रही होती है तो एनी यहाँ पर ये चिंता करती है कि जॉर्ज जो अपने फादर से मिल के आ रहा है तो ज़रूर उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस मैन्युफैक्चरिंग अफेयर के बारे में, यानी कि जो केस हुआ था फॉल्टी पार्ट्स को शिप करने का, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी, और जॉर्ज के पास में कोई ना कोई क्वेश्चंस भी होंगे जो वो उस शाम को वहाँ पर पूछने वाला है। जब ये सब बातचीत चल रही होती है और शाम हो जाती है तब जॉर्ज आता है, और जिम और क्रिस, जिम बेलिस जो उनका नेबर है कैलर फैमिली का, और क्रिस यहाँ पर जॉर्ज को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, जबकि जॉर्ज जो है वो जो कैलर को अक्यूज़ करता है कि उसको पता था कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ फेलियर्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं, कुछ गड़बड़ है, फिर भी उसने क्या किया, स्टीव को इन सब में फंसाया। स्टीव को उसने उस रात बोला फ़ोन करके कि वो वहाँ पर जाए क्योंकि जो है उसकी तबीयत ख़राब है, और जो प्लेन के जो पार्ट्स हैं उनको ओके कर दे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लान किया और स्टीव ड्राइवर को यहाँ पर फंसा दिया। जो जो केलर है वो लगातार इस अक्यूजेशन से डिनाई करता रहता है, मना करता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो जॉर्ज है वो जल्दबाजी में यहाँ से चला जाता है। एनी उसके पीछे जाती है और जॉर्ज जो है वो क्रिस को कहता है कैटी के सामने कि जॉर्ज की स्टोरी जो है वो ट्रू है, यानी कि वो डीवर फैमिली के सामने अपना एक्यूजेशन जो है, अपना गिल्ट जो है वो नहीं मानता, लेकिन इसके पीछे से वो बात मान लेता है। क्रिस अपने फादर के इस कन्फ्रंटेशन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और उसको बहुत बुरा झटका लगता है कि उसके फादर ने ना केवल डिफेक्टिव पार्ट्स को प्रोड्यूस किया बल्कि झूठ भी बोला, और जिसकी वजह से स्टीव ड्राइवर को जेल हुई, और जो पोस्ट वॉर की जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनकी फैमिली को यानी कि एने और जॉर्ज को झेलने पड़े। तो क्रिस जो है इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फील करता है और यहाँ पर शाम को ड्राइव के लिए निकल जाता है, जबकि जो और कैटी यानी कि हस्बैंड और वाइफ हैं वो पीछे अपने घर में अकेले रह जाते हैं और बैकयार्ड में बैठकर रोते रहते हैं। प्ले के एंड में ये होता है कि उसी मॉर्निंग को, जो अगले दिन की मॉर्निंग है, क्रिस वापस आता है अपनी ड्राइव से और देखता है कि एनी जो और कैटी वहाँ पर खड़े हैं। एनी जो है वो ये चाहती है कि कैटी ये बिलीव कर ले कि लैरी की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो क्रिस और एनी को ये अलाउ कर सके कि वो शादी कर लें। तो वो कैटी को एक लेटर देती है जो लैरी ने अपनी डेथ के पहले वाले दिन लिखा था, जिसमें उसने ये लिखा था कि प्लेन जो है वो मिसिंग हो जाएगा या खो जाएगा, और वो उसका खुद का एक्ट होगा सुसाइड करने का, क्योंकि लैरी को ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस या ये जो फॉल्टी एयरक्राफ्ट की शिपिंग वाली बात थी वो पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी गिल्ट में था कि उसके फादर ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से 21 पायलट्स को अपनी जान खोनी पड़ी। यहाँ पर जो और स्टीव का जो गिल्ट है वो लैरी को परेशान कर रहा था। अब लैरी यहाँ पर जो इतने टाइम से कंफर्ट फील करा रहा था कि जो उसके बेटे की डेथ का रीज़न है वो खुद नहीं है या उसकी कंपनी के बनाए हुए फॉल्टी क्राफ्ट्स नहीं है, तो इस सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर ख़त्म हो जाती है लेटर को पढ़ने के बाद में, और डायरेक्टली उनको पता चल जाता है कि लैरी के मरने का रीज़न भी जो खुद ही है। तो जो कैलर उस लेटर को लेकर अपस्टेयर्स में चला जाता है और लास्ट में ये रिमार्क करता है कि जितने भी एयरक्राफ्ट में जो 21 सोल्जर्स और पायलट्स मारे गए वो सारे उसके सन्स थे, तो
तो ये बात सोचकर और ये सोचकर कि वो जेल में जाएगा, उस स्मॉल टाउन की जेल में वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेगा, तो ये सब चीज़ें सोचकर वो वहाँ पर जाता है। और एक गन शॉट की आवाज़ आती है जिसमें जो किलर खुद को गोली मार लेता है और अपनी लाइफ को एंड कर देता है। यहाँ पर क्रिस जो है वो अपनी मदर को बताता है कि वो ये नहीं चाहता था कि उसके फादर जो है वो सुसाइड कर लें या ये सब चीज़ें हों। यहाँ पर ये बताता है कि वो चाहता था कि एक नई शुरुआत हो और फैमिली में ये जितना भी टेंशन जो चल रहा है वो एंड हो जाए। तो यहाँ पर गिल्ट जो है वो कैलर फैमिली का यहाँ पर फिनिश होता है और इसी के साथ में ये प्ले भी है वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पर थीम्स जो है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फैमिली और फैमिली में जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सारी इसकी थीम है। यानी कि परिवार में जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कई सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। ये सब चीज़ें परिवार में चलती रहती हैं। लॉस एंड मेमोरी, तो लैरी की याद में कुछ लॉस हुआ उनको और उनसे रिलेटेड कुछ मेमोरीज पूरे प्ले में चलती रहती हैं। वॉर मॉरेलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस, वॉर यानी कि बैटल, मॉरेलिटी यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको मॉरल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसको खुद को डिसाइड करनी होती हैं। और अगर मॉरल नहीं होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। वेल्थ एंड इट्स एक्यूमुलेशन, तो अगर किसी पर्सन के पास में धन है और अगर वो उस धन को, उस मनी को स्टोर करके रखता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या वो क्या करेगा इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। कि जॉ केलर ने बहुत सारी चीज़ें की पैसे बचाने के लिए, कि उसने फॉल्टी क्राफ्ट को भी शिप किया लेकिन लास्ट में उसके साथ में क्या हुआ, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस निकले, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में लाइबिलिटी, कल्पेबिलिटी एंड गिल्ट, तो लाइबिलिटी का मतलब होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो एक सोसाइटी के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे नेबरहुड के लिए हो। कल्पेबिलिटी का मतलब होगा दोषी, कि कोई पर्सन अगर किसी ने गलत किया है तो वो कभी ना कभी रिवील हो के आएगा। और लास्ट में गिल्ट, कि जो केलर ने गलत किया तो उसका गिल्ट लास्ट में निकल कर ज़रूर आया। तो ये सारी थीम्स हमें इस प्ले के थ्रू देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको प्ले की स्टोरी पूरी समझ में आई होगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।